जी अभी तो जा रही हूँ, पता नहीं क्यों आपको गाड़ी चाहिए और कुछ पूछता है। ओके बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आओ तुम बैठो, मैं केक लेकर आती हूँ। ओके। देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये आपको पार्सल है। ये किसने भेजा है? सुहेल ने। तुम दोनों इन टच हो? नहीं सर तशाव, तुम्हारी शादी के बाद तो आज तक फोन पे भी बात नहीं हुई मेरी उससे। तो फिर ये पार्सल अभी आया तुम्हारे सामने? उस दिन क्या हुआ था? मैं बताती हूँ तुम्हें। किसका फोन था? तैमूर। लगता है बहुत प्यार करता है तुमसे। लेकिन जब तक मुझे सुहेल की सच्चाई का पता नहीं चल जाएगा, मैं कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। तुम किन सोचों में गुम? नहीं कुछ नहीं। तो बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। तैमूर मैं तो कह रही हूँ कि तुम दो दिन और रुक जाओ जरतशाह के साथ। अब मुझे तुम्हारे ऑफिस के मामलात को तो नहीं पता। अच्छा अगर बहुत जरूरी है तुम्हारा आना तो देर मत करना। और हाँ जरतशाह से पूछ लेना कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तैमूर ये ठीक है कि वो अपने वालदैन के घर है, मगर उसकी जरूरतों का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छी बात है। और हाँ मेरा सबको सलाम कहना। खुदा हाफिज। नलायक कहता है कि मैं उसका ख्याल अपने से भी ज्यादा रखूंगा। तैमूर सब खैरियत है ना? सब खैरियत। कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। बेटा जरतशाह ने कुछ कहा है? नहीं आंटी, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई। तुम कॉल तो कर रहे थे ना उसे अभी? वो कनेक्ट नहीं हुआ। ज़हीर, बेटा जरा पता करो कि जरतशाह कब तक आएगी वापस। जी बेहतर, मैं करता हूँ। तैमूर बेटा अगर आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। नहीं अंकल, ये पॉसिबल नहीं होगा। बिजनेस में अभी टेंडर का सीजन है, ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना अच्छी सी कॉफी हो जाए। शो थैंक यू, तुम्हारे बहाने हमें भी मिल जाएगी है ना बेटा, अच्छी सी कॉफी।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुहेल मेरे साथ ऐसी बेवफाई करेगा। सोच तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी भी क्या जिंदगी है, सब कुछ हारी भी मैं और कसूरवार भी मैं। ज़र्तशा, जो गुजर गया वो गुजर गया, अब जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट करो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सोफिया, लेकिन दिल कहीं टिकता ही नहीं। ना अपने माजी में झांकने देता है और ना अपना हाल मानता है, बस बेचैन रखता है जैसे सब कुछ खोने का गम भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि ससुराल कैसा है तुम्हारा? एक सास है और एक तैमूर, बस। वाह भाई, बस सास? कैसी है वो? अच्छी है, मेरे लिए खाना भी बनाती है, नाश्ता भी बनाती है। और तुम क्या बनाती हो? कुछ भी नहीं। तैमूर। थैंक यू। ज़र्तशा आ रही है। लेकिन उसका तो फोन बंद है। अम्मी जान की उसकी दोस्त से बात हुई है, तुम टेंशन मत लो। कैसी बातें कह रही, मुझे टेंशन नहीं होती। सना बीबी, शासा पूछ रहे हैं किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे पता है अब इसने कुछ नहीं खाना, तुम जाओ। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सोबिया, अगर तुमसे मुलाकात नहीं होती तो मुझे सुहेल के असल रूप का पता कैसे चलता? अब तुम्हारा सब कुछ सब तैमूर है। देखते हैं। तुम्हें मेरा नंबर क्यों ऑफ किया हुआ था? और क्या करती, अगर ऑन रखा होता तो मैं आज चैन से थोड़ी बैठी हुई होती। ये देखो अभी ऑन किया नहीं और कॉल शुरू। सहीर भाई तो सुन लो ना, एक दफा घर जाके सबकी सुन लूंगी। तुम भी ना। चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ, लेकिन अब मैं इधर ही हूँ तो ज़रूर मिलने आना। ज़रूर आऊँगी। ओके, बाय बाय। बाय। ख्याल रखना अपना।